2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव का समय अब नजदीक है और अप्रैल या मई में चुनाव होने की संभावना है। चुनावों के लिए सभी पार्टियों और राज्य के सभी तैयारियों में जुट गई है, राज्य स्तर की पार्टियां भी। ऐसे में न्यूज तक आपके लिए एक शो लेकर आया है देश किसका, और इस सीरीज में आज इस सीरीज में जो बात होगी देश का मिजाज, ऐसे राज्य का जानेंगे जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आज देश किसका के सीरीज में जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, साथ में राज्य के स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है, कौन वहां पर आगे बाजी मारता है या लोकसभा चुनाव में किसको सर्वे के मुताबिक यहां पर ज्यादा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस सब बताने से पहले स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आपको राज्य का समीकरण बताएंगे कि कौन आगे कौन पीछे। तो आप मुझे बताइए कि क्या मुद्दे होंगे आपकी बार जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं 2024 में, उसमें आपके एतबार से क्योंकि आप लोगों के साथ कनेक्टेड है, मुद्दे क्या हैं, किन चीज़ों पे लोग मतदान करेंगे? देखिए, पहले लोग देखेंगे जिस तरीके से अगर डेवलपमेंट यहाँ हुई होगी उस पर वोट दिया जाएगा, और अगर रोज़गार के हवाले से देखा जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया होगा तो वो जीत जाएंगे, अगर रोज़गार वो उन्होंने नहीं दिया होगा तो खतरा है, और कई सारे मुद्दे होंगे। पावर क्राइसिस जो है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में, उस पर लोग वोट देंगे, और राशन का जो मुद्दा है उस पर लोग वोट देंगे। आपको जो पता ही है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स हैं बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होंगे, और अयोध्या होगा वो भी मुद्दा होगा, उस पर भी ये वोट का जो है वो असर रहेगा। जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, कई सारे मुद्दे जो होंगे वो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम्स ये हैं, अब डेवलपमेंट को ऐसा देखा जाएगा कि क्या 2019 से या हम 18 की बात करें उससे एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी सेटअप पिछले 6-7 साल से यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पिछले 6-7 साल से यहाँ पे लोगों को जो वोटिंग राइट है वो अभी दिया नहीं गया है, कि लोग तरस रहे हैं कि काश कब इलेक्शन हो, ठीक है। हमारी पहली एक ये राय होगी कि जम्मू कश्मीर में जो विधान लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं उनके साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी हो, तो खासकर जो अब एक रुझान रहता था जम्मू और कश्मीर में खास कि यहाँ पे इमोशनल पॉलिटिक्स खेली जाती थी, यहाँ पे कभी आज़ादी के नाम पे, कभी सेल्फ रूल के नाम पे, कभी ऑटोनॉमी के नाम पे लोगों को बहकाया जाता था, और इसमें काफ़ी एक ऐसी चेंज है। जैसे आप देखोगे 370 की जजमेंट आई, उसके बाद पहले जो है अब चीज़ें जो हैं इस इलेक्शन में, अब डेवलपमेंट पे वोट होगा, अब उस चीज़ पे वोट होगा जिसमें कंपटेंसी होगी, जो आउटरीच होगा लोगों में, कि यहाँ के लीडर पहले अपनी तकदीर का फैसला श्रीनगर में बैठ के नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको अपनी तकदीर का फैसला लोगों में जाके करना है। क्या आउटरीच है आपके पास, क्या आपने लोगों के दिल जीते हैं? लोगों का दिल जीतना ये नहीं होता है कि आप श्रीनगर में बैठ के बात करेंगे, लोगों का दिल जीतना क्या आपने उनकी मुश्किलात में उन चीज़ों को एड्रेस किया है, तो एक चेंज होगी। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ वोटिंग जो परसेंटेज होगी वो इस बार ज़्यादा होगी। जो वोटिंग परसेंटेज इससे पहले होती थी, आपको पता है नॉर्थ कश्मीर, ये साउथ कश्मीर में 10% 20% वोटिंग परसेंटेज होती थी, अब वो नहीं देखने को मिलेगा, अब इस बार 80% 70% वोटिंग होगी, तो जो वोटिंग होगी परसेंटेज वो ज़्यादा बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 और लद्दाख की 1 सीटें हैं। परिसीमन के बाद अनंतनाग और जम्मू कश्मीर लोकसभा सीट का कुछ हिस्सा काटकर नई सीट अनंतनाग राजौरी बनाएगा। इस सीट पर पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति यानी ST आरक्षण दिए जाने के बाद से राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची जारी किया जा चुका है और इस आधार पर अब राजनीतिक पार्टियों ने भी नए मतदाताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। सभी पार्टियों का खासा जोर नए बने मतदाताओं पर है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव के लिए प्रभारी भी बना दिए हैं, मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन इस बीच में स्थानीय जानकार इसका समीकरण कुछ और ही बता रहे हैं। NDA गठबंधन है, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे यहाँ पर ज्यादा फोकस में इंडिया गठबंधन है, क्योंकि इसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP तीन पार्टियां मिलकर साथ चुनाव लड़ने जा रही हैं, जो अभी तक संकेत है। तो क्या आपको लगता है कि उसमें जो है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगी कश्मीर के या तीन सीटों में? देखिए, मैं आपसे पहले आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने वक्त दिया हमें। देखो, जो अभी ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो आ रहा है अप्रैल में,
तो पहले मैं कहता हूं कि पहले इनको यहां पे असेंबली इलेक्शन करवाना था, क्योंकि आपको पता ही होगा, सबको पता है कि 2014 से अभी तक 10 साल पूरे हो चुके हैं कि यहां पे कोई इलेक्शन हुआ नहीं है। तो रही बात जो अभी किसकी तरफ लोग ध्यान देंगे, किसको चुनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन उन्होंने, ये पार्लियामेंट इलेक्शन इसका अपना टाइम है, इनको ये करना ही करना था, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी अपनी किस्मत आजमाइश कर रहा है। क्योंकि अगर लोग देखो, आप ये मत देख लो कि कितने पार्टीज यहाँ से बनी है, जब से 370 इन्होंने यहाँ से ख़त्म किया है तब से कितनी पार्टीज यहाँ पे बनी है, तो उनके साथ लोग चलते हैं, लोगों का उससे कोई मतलब नहीं है, लोग उसके साथ होने चाहिए। देखो मतलब इस चीज़ का ये है कि वोट वक्त, जब वोट आने का वक्त आ जाएगा तब पता चलेगा कि सबको वोट किसको देनी है। हर कोई कहता है, हम भी जीरो ग्राउंड पे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोग यही कहते हैं कि इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन कब होगा, लेकिन हम भी पिछले 7-8 जब से 370 यहाँ पे ख़त्म कर दिया तब से हम भी बोल रहे हैं कि इलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, असेंबली इलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। उसके बारे उन्होंने असेंबली इलेक्शन यहाँ पे नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि जीरो ग्राउंड पे लोगों को कैसी प्रॉब्लम्स है। 370 जब इन्होंने तोड़ा तब मोदी जी ने खुद कहा कि हम हज़ारों में यहाँ पे नौकरियाँ दे देंगे। आप देख सकते हैं कि कितने पढ़े लिखे यूथ जो बेकार बैठे हुए हैं, अब ड्रग्स की तरफ वो घुस गए हैं। ड्रग्स की तरफ क्यों वो चले गए हैं, क्योंकि उनको थोड़ा मेंटली फ्रस्ट्रेशन आई है कि उनको जब ना जॉब मिलता है कोई ना कुछ, बहुत सारे वादे किए गए हमारे कश्मीर के आवाम के साथ, लेकिन उन वादों में से कोई बिल्कुल उन्हें कोई कंप्लीट वादा कोई हुआ नहीं है। तो अभी ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी मुझे, मैं अभी भी पहले भी कह चुका हूं कि मुझे लगता है, अपनी सोच है मेरी, कि ये बीजेपी पार्टी यहां पे किस्मत आजमाइश कर रही है पार्लियामेंट इलेक्शन की, या पार्लियामेंट इलेक्शन करके देखेंगे कि क्या रुझान रहे। हर आधे लोग कहते हैं कि देखो इन्होंने जो नई पार्टीज जो यहाँ पे लॉन्च हो गई है, चाहे जिनको हम ए टीम बी टीम सी टीम से जाने जाते हैं, या कोई ऐसे इंडिपेंडेंट लोगों ने उनको उठाया जो व्लॉगर्स बन के आते हैं फील्ड में, वो ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। देखो लोगों को ऐसे ख्वाब नहीं दे, लेकिन लोग समझदार है। अब जम्मू कश्मीर के आवाम को भी समझ आ गया है कि हमको क्या करना है। इसका मतलब मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बात हो गई है कि मैंने उनको, उन्होंने कहा कि आप हमारे से नाराज़ मत हो जाए कि हम किसी ए टीम या बी टीम के साथ चलते हैं, हमें पता है वक्त आने पे, हमें पता है हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बीजेपी के साथ जुड़ी हुई कोई पार्टी है या खुद बीजेपी पार्टी है, उनके साथ लोग यहाँ चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। लोगों को पता है कि मैं वसुकन से कहता हूँ आपको कि आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होगा उसके बाद यहाँ ही इसी टाइम पर मैं आपको, आप मुझे फिर से इंटरव्यू करना, मैं दिखाऊंगा कि आपको जो लोग इनके साथ चलते हैं कोई वोट नहीं देगा, वोट मिलने का अनुमान है। यानी देखें तो जम्मू कश्मीर में कुल 5 लोकसभा की सीटें, 3 सीटें इंडिया को 49% वोट और एनडीए को 2 सीटें 36% वोट। 2024 लोकसभा चुनाव में जो सर्वे सामने आया है उसे देखते हुए भले ही ये कहा जा सके कि उतनी सीट एनडीए को नहीं मिल रही हो, लेकिन वोट शेयर से एनडीए को फायदा जरूर हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की 3-3 सीटें एनडीए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी, जबकि 2019 के आम चुनाव में राज्य में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। इसी तरह से पीडीपी को भी सबसे करारी हार मिली थी और पीडीपी का को भी खाली हाथ रहना पड़ा था, 2019 की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव में पीडीपी को केवल 2.4% वोट ही मिले थे। अगर समीकरण को देखें तो 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 3 सीटें मिली और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिली, बाकी को 0-0 सीटें, यानी एक भी सीट हाथ नहीं लगी। तब लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, 2019 में ही लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना और अगस्त 2019 में केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव भी होगा। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव की वोट प्रतिशत 2019 में बीजेपी के लिए 46.24% थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC के लिए 7.87, कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिली थी लेकिन 28.39% वोट शेयर रहा था। जम्मू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 3.38% वोट शेयर रहा था। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया था। आयोग ने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब 114 विधानसभा की सीटें होंगी। 2024 सीटें पीओके के लिए रिजर्व है, यानी जम्मू कश्मीर में 90 सीट पर वोट डाले जाएंगे। नए परसिमन के बाद जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ गई है। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा की सीटें होंगी। कुल सीटों में से 9 एससी और 2 कश्मीरी विस्थापितों के लिए रिजर्व रखी गई है। 5 सदस्य नॉमिनेट भी किए जाएंगे। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान था शीतकालीन सत्र के दौरान। 2022 से पहले 1995 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का परिसीमन किया गया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि नए परिसीमन के बाद बीजेपी को चुनाव से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि नई अल्पसंख्यक बाहुल सीटों का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। हालांकि बीजेपी इन सभी आरोपों को खारिज करती रही है। विधानसभा चुनाव और धारा 370 को हटाने को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, तो इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 370 हटाना संवैधानिक तौर पर वैध है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और 23 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद ये उम्मीद जताई जाने लगी कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा का जो चुनाव होगा, उसके साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। राज्य में परिसीमन का काम पहले से ही पूरा हो चुका है और अप्रैल मई में जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो सकते हैं। पीओके की 24 सीटें अभी भी रिजर्व होगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां शुरू हो गई है और इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कार्यरत सभी सुरक्षा एजेंसियों को इस चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा गया है। लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की 635 और लद्दाख में 57 कंपनियां तैनात करने की तैयारी है। मतदान समाप्त होने के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और मतगणना को सकुशल कराने के लिए 36 और एक कंपनी यहां पर रुकेगी। देश भर में पश्चिम बंगाल में 920 कंपनी के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की ओर से चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की गई थी और इस आधार पर चुनाव आयोग ने तय किया कि 3400 कंपनियां पूरे देश भर में भेजी जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भी केंद्र सरकार यानी एनडीए को ज्यादा नुकसान नहीं होता दिख रहा है। लोकसभा सीट भले ही कम आ रहे हों, लेकिन वोट शेयर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन असली सर्वे और असली परिणाम तो लोकसभा चुनाव के बाद ही देश की जनता बता पाएगी कि आखिर सत्ता में किसे बैठाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।